राखी सावंत के टूटे रिश्ते पर आखिर बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट ने दिया बड़ा बयान? जी हाँ, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि राखी सावंत, जी हाँ, ड्रामा क्वीन, एंटरटेनमेंट क्वीन जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक बात बताई थी कि उनकी शादी हो चुकी है और बिग बॉस 15 के घर में उन्होंने अपने पति रितेश को लाया सभी के सामने, और सामने लाते ही कई सारे लोगों ने उन पर उंगली उठाया, ये कहा कि भाड़े का पति है, सारी चीजें। फिर जब बिग बॉस 15 खत्म हो गया और बाहर आने के बाद भी कई लोग पूछ रहे थे कि आपका रिश्ता कैसा है, सच है या झूठ है, क्योंकि जब रितेश घर के अंदर थे तब उन पर भी इल्जाम उठे थे। उनकी पत्नी सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि डिवोर्स नहीं लिया है, बच्चे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का उन पर केस किया गया था, तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब राखी सावंत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर ये बता दिया कि हम दोनों का रिश्ता टूट चुका है, और बहुत बार उनका ब्रेकडाउन भी हुआ मीडिया के सामने, जब आई रोई और उनका ब्रेकडाउन हुआ। अब उसी पर सोफिया हयात, जी हाँ, जो कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। उनका कहना है, पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे ये जो रिश्ता है मेरे रिमाइंड करता है मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, जो फ्रॉड किया उन्होंने, जो कि एक कॉन मैन बनकर सामने आए मेरे सामने, उन्होंने मुझसे शादी की, मेरे सारे एक्सपेंसिव चीज पैसे लेकर मुझे छोड़ दिया, और मेरी जो फ्रेंड है राखी, जो कि बहुत स्वीट है, और राकेश ने भी उनका पूरा इस्तेमाल किया। फिर वो कहती है कि मैन हु लाइज ऑलवेज लाइज, एक बार जो इंसान आदमी आपसे झूठ बोलता है वो हमेशा आपसे झूठ बोलता है, और उसके पति को जरूरत है हेल्प की, और राखी को हील होने की जरूरत है, ठीक होने की जरूरत है, उसे अपनी जो ये झूठी जिंदगी जो वो जी रही थी, अब उसे उससे बाहर निकलना होगा, और पता नहीं कैसे एक झूठे शादी को वो निभा सकती है, और वो झूठा रिश्ता था, उसने झूठ बोला, और राखी को अब ये बात समझ में नहीं आई थी, उस टाइम पे नहीं आई थी, पर अब उनको धीरे धीरे समझ में आ रही है, और वो हमेशा अब इस चीज से बाहर निकलेगी। फिर उनका कहना है कि मैंने पूछा, राखी से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हैं, और जिसकी वजह से उनकी एक ऑलरेडी वाइफ है, बच्चे हैं, और वो लाए झूठे हैं, उन्होंने बोला कि उनकी कोई वाइफ नहीं, उनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मेरी जो शादी वो लीगल नहीं है। ये बात सोफिया आयत को बताई, और कहने की सोफिया आयत ने सपोर्ट किया है राखी सावंत को। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके, और देखते रहे फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।